बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिस नूरी फ्रॉम सुपीरियर मॉडल स्कूल एंड दिस इज़ द ऑनलाइन क्लास सेशन ऑफ ग्रेड 6 SST लेक्चर नंबर 10। स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियोस वी हैव लर्नड अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द आर्यंस। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन तहजीब के बारे में पढ़ा, हमने उसमें देखा कि किस तरीके से उन लोगों के जो एंशियंट हमें जो मोनूमेंट्स वगैरह है वो सब मिले थे, तो उनमें से हमें पता लगा था कि वो किस टाइप के लोग थे, किस तरीके का कल्चर था, वो किस तरीके से और फिर वो कैसे एंड हुआ वो भी किसी को पता नहीं चला वो सब। उसके बाद जो इंडस वैली में जो लोग पहले एंटर हुए थे, दे वर द आर्यंस। वो कौन थे? आर्यंस थे, ठीक है, दे वर द आर्यंस। और आर्यंस जो थे बेसिकली 1750 BC में ये लोग हिंदुकश माउंटेन्स के रास्ते रशिया की तरफ से आए और इंडिया में आबाद हो गए। ठीक है, कहाँ से? 1750 से हिंदुकश माउंटेन्स के रास्ते से आए और इंडिया में आबाद हो गए। ठीक है, ये जब यहाँ पे आए ना तो इनको कोई काम वगैरह इनको नहीं आता था, ये मतलब दे आर अनअवेयर ऑफ अर्निंग मनी और वट एवर, सो नो कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर। इनके पास यानी ज़रात के काम करने का कोई जो तजुर्बा जो था वो नहीं था, इनको कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ, यानी ये लोग जो थे ना, इनका पुख्ता यकीन जो था वो किस चीज़ पे था? मज़हब की तरफ इनका रुझान बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, ये किन की मैं बात कर रही हूँ? देस आर द आर्यंस की। और ठीक है, तो क्या था? नो कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर, स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीव्स, इनका जो अकीदा था मज़हब की तरफ वो बहुत ज़्यादा था। एंड कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम यानी जात पात का जो सिस्टम है ना, वो पहले पहल किसने जो है तो वो उस इनको इन्वेंशन की है, या फिर यू कैन से कि किसने इस चीज़ को उठाया है, कास्ट सिस्टम यानी जात के बिना पर जो हम डिवाइड करते हैं लोगों को, स्पेसिफिकली हिंदू जो मज़हब में होता है ना, दैट वाज डिराइव फ्रॉम द आर्यंस। ठीक है, आर्यंस ने ही इसको डिराइव किया था। सो पेज नंबर 8 पर हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, पेज नंबर 8 पर द आर्यंस सिर्का 1750 BCE बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, ये इसका डेट है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द आर्यंस फ्रॉम द यूरल माउंटेन्स नियर रशिया एंटर दिस रीजन अराउंड 1750 BCE थ्रू द हिंदुकश माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, जो शुमाल के पाकिस्तानी हिंदुकश पहाड़ी सिलसिला है उस रास्ते से रशिया से ये लोग एंटर हुए हैं आर्यंस जो थे यूरल माउंटेन्स में। बाय 1500 BCE दे हैड सेटल्ड डाउन इन अ लार्ज एरिया, ये जो थे एक बहुत बड़े एरिया में इन लोगों ने खुद को सेटल कर दिया। एंड फॉलो देयर ओन वे ऑफ लाइफ, और अपने तर्ज की ज़िंदगी गुजारने लगे। सिंस दे वर नोमेड्स फ्रॉम अ माउंटेनस रीजन, चूँकि ये लोग आए थे कहाँ से? पहाड़ी इलाकों से। दे हैड नो कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर, तो इनको जो है ज़रात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी इसको कोई इनको कोई तजुर्बा नहीं था। एंड डिपेंडेंट ऑन द लोकल पीपल टू टीच दैम फार्मिंग, और ये जो थे ना जो वहाँ के मकामी लोग थे ना उन पर ही ये इन्हिसार करते थे कि इनको ज़रा ज़रात के बारे में या खेती बाड़ी के बारे में बता सके। ठीक है, फार्मिंग का मतलब है खेती बाड़ी। दे प्रोग्रेस्ड रैपिडली, इन्होंने बहुत जल्दी तरक्की की। हाउएवर इसी तरह एंड सेटल डाउन इन विलेजेस अंडर राजा, और वहाँ पे जितने भी राजा वगैरह रहते थे उनके अंडर ये लोग गांव में बसने लगे। गिविंग अप देयर नोमैडिक वेज, और अपना जो इनके अपने तर्ज की ज़िंदगी थी उनको इन्होंने छोड़ दिया। दे हैड स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ, इनका जो अकीदा था बहुत ही ज़्यादा पुख्ता था। यहाँ पर आपको ग्रामेटिकली भी बताया गया, द आर्यंस वर ओरिजिनली नोमैड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और इस मैप की हेल्प की वजह से भी आप लोग देख सकते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैप ऑफ द आर्यंस माइग्रेटिंग राउट्स टू द सब कॉन्टिनेंट, सही है। ओके, ये जो डायग्राम्स है ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कास्ट के बारे में समझाऊंगी कि इन्होंने किस तरीके से कास्ट के उस पे इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ देखिए, मच ऑफ द प्रेजेंट डे कल्चर इन इंडिया एंड हिंदुइज्म कैन बी ट्रेस बैक टू द आर्यंस, यानी मौजूदा दौर के जो सकाफत है इंडिया का या फिर हिंदुइज्म का है वो भी बेसिकली इसी के पैरोकार है। द आर्यंस ब्रॉट द इनफेमस कास्ट सिस्टम टू इंडिया, जो बहुत ही जात पात का जो निज़ाम है ना वो आर्यंस ने ही इंडिया में शुरू करवाया। इट बिगेन एज अ सिस्टम ऑफ रिकोगनाइजिंग पीपल बाई देयर जॉब्स, और ये कैसे शुरू हुई कि जो बंदा जो काम करता है उसी से उसकी जात जो है तो वो
पहचानी जाएगी. ग्रुप्स ऑफ पीपल वर गिवन सर्टेन टास्क, बहुत सारे लोगों को ऐसे बहुत सारे काम करने दिए गए और उनके फैमिलीज़ को एंड बच्चों को वर रिस्पेक्टेड टू फॉलो देयर एग्जांपल एंड कंटिन्यू द फैमिली बिजनेस. और इसी तरह उनको ये बताया गया कि वो उनकी मिसाल ले और अपना काम जो कारोबार वगैरह है वो इसी तरह से जारी रख सके. सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल फिनिश अप द दिस चैप्टर नंबर 2. So hope it helps you read out it. If you find any difficulty, so you can ask me freely. Take care.